सबसे महान, जय हो विघ्नेश्वर श्री भगवान। भक्तों, आज हम आपको श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय की बाल लीलाओं की रोचक कथाएं सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से भगवान गणेश जी अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कथा के माध्यम से श्री गणेश भगवान की बाल लीला की एक रोचक कथा। बोलिए भगवान श्री गणेश जी महाराज की। कार्तिकेय गणपत मिलके बाल लीलाएं करते, दोनों एक साथ खेलते, प्रेम से दोनों रहते, दोनों एक साथ खेलते, प्रेम से दोनों रहते। दोनों ही मात पिता की सदा ही सेवा करते, पिता शिव माता गौरी प्यार से गले लगाते, पिता शिव माता गौरी प्यार से गले लगाते। मात पिता के लिए दोनों ही, मात पिता के लिए दोनों ही पुत्र है एक समान। गणपति देव है सबसे महान, जय जय हो विघ्नेश्वर भगवान। जनों, एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि हम दोनों पुत्रों का विवाह कर दें, दोनों ही तो हमें प्यारे हैं, तो भला किसका विवाह पहले संपन्न किया जाए। इधर कार्तिकेय और गणेश आपस में नोक झोंक करते हैं कि पहले विवाह मैं करूंगा, पहले विवाह मैं करूंगा। जब दोनों का निर्णय नहीं हो पाया तो दोनों अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माँ गौरा के पास में गए और अपने मन की बात बताई। शिव जी इनको समझाएं, विवाह की शर्त बताएं, जो भी इस भूमंडल की पहले परिक्रमा लगाए, जो पहले यहाँ पे आए उसी का विवाह रचाए। बात है अटल हमारी, करो अब तुम तैयारी, बात है अटल हमारी, करो अब तुम तैयारी। मात पिता की शर्त सुनी तो, मात पिता की शर्त सुनी तो दोनों हुए हैरान। गणपति देव महान, जय जय श्री विघ्नेश्वर भगवान। माता पिता की बातें सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करने निकल पड़े। और इधर भगवान श्री गणेश जी ये सोच रहे हैं कि मेरा छोटा सा वाहन मूषक ये कार्य कैसे कर पाएगा। तभी उनके मन में एक विचार कौंधा, उन्होंने सोचा मेरे माता पिता ही तो मेरे लिए सारी सृष्टि के समान है,
क्यों ना इनकी सात परिक्रमाएं कर लूं, जिससे इनकी शर्तें भी पूर्ण हो जाए और पहले मेरा विवाह हो जाए। बोले फिर गणपत प्यारे, वचन सुनो पिता हमारे, पृथ्वी के जितने तीर्थ सभी आधीन तुम्हारे। आपसे बड़ा कौन है जगत के पालनहारे, मुझे आशीष दीजिए विवाह अब मेरा कीजिए। माता पिता कहे तुमसे ज्यादा नहीं किसी में जान। जय जय गणपति जी देव महान, जय हो विघ्नेश्वर श्री भगवान। हाथ जोड़कर अपने माता पिता भगवान शिव और माँ गौरा से कहने लगे कि आपको छोड़कर जो तीर्थ यात्रा को गया है वो पाप का भागीदार होता है, अतः मैं आप दोनों की परिक्रमा करके ही पुण्य कमा लेता हूँ। यह सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती ने कहा, तुम धन्य हो पुत्र, तुम महान हो, तुमने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की है। कुछ ही दिनों में श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक दो कन्याओं के साथ कर दिया गया। वचन जो शिव ने दिया है आज वो पूरा किया है, गणेश का विवाह हुआ है, सबने आशीष दिया है। लौट कर कार्तिक आए, खबर सुनकर दुखी आए, निराशा आई मन में, बात ये सह ना पाए। सारे जगत के झूठे बंधन, सारे जगत के झूठे बंधन, तप में लगाया ध्यान। जय जय गणपति जी देव महान, जय हो विघ्नेश्वर श्री भगवान। जय जय गणपति जी देव महान, जय हो विघ्नेश्वर श्री भगवान। जय जय गणनायक, जय सिद्ध विनायक। जब स्वामी कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो उन्हें नारद जी ने सारा वृतांत सुना दिया। समाचार सुनकर कुमार कार्तिकेय को भारी दुख हुआ और वो तप करने हेतु घनघोर वनों की ओर चले गए। माता पिता के लाख रोकने पर भी वो नहीं रुके। सारा जगत उनको श्रद्धा भाव से आज भी पूजन करता है और उन्हें याद करता है। विघ्नहारी अवतारी, गजानन मंगलकारी, लंबोदर सूंड धारी, गणेश जी जय हो तिहारी। लंबोदर सूंड धारी, गणेश जी जय हो तिहारी। अष्ट अवतार तुम्हारे सभी को लगते प्यारे, जगत के तुम रखवारे, शरण सब आए तुम्हारे। जगत के तुम रखवारे,
रस पान। जय जय श्री गणपति देव महान, जय जय श्री विघ्नेश्वर भगवान। श्री गणेश भगवान के मुख्य 8 अवतार हैं, जिनका वर्णन श्री गणेश उपासना में किया गया है। वो कौन से 8 अवतार हैं? उन अवतारों की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो 8 नाम हैं: श्री वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, गजानन और धूम्रवर्ण अवतार। गणपति भाग्य विधाता, विघ्न हरता, सुख करता, सभी शुभ कार्यों में पहल हो इनकी पूजा। सभी शुभ कार्यों में पहल हो इनकी पूजा। जो इनके द्वार पे आते, मुरादे मन की पाते, गणपति गौरी लाला, विघ्न तू हरने वाला। गणपति गौरी लाला, विघ्न तू हरने वाला। जो गणपति की करे वंदना, जो गणपति की करे वंदना, होता है कल्याण। जय जय गणपति जी देव महान, जय हो श्री विघ्नेश्वर भगवान। जय जय गणपति जी देव महान, जय हो विघ्नेश्वर श्री भगवान। जय जय गणनायक, जय सिद्धि विनायक। भक्तों, अब मैं आपको भगवान श्री गणेश जी के जन्म की पावन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है भक्तों, माता पार्वती स्नान के लिए जाना चाहती थी और उन्हें द्वार की रखवाली हेतु एक द्वारपाल की आवश्यकता थी। तभी उन्होंने अपने उपटन से एक पुतले का निर्माण किया, उसमें शक्ति उत्पन्न कर प्राण फूंक दिए और उसे आदेश दिया कि मेरी आज्ञा के बिना द्वार के भीतर कोई प्रवेश न करे। पर समय को कौन टाल सकता है भक्तों? उसी समय शंकर भगवान माँ पार्वती से मिलने उनके महलों में आने लगे। द्वार पर बालक ने रोका, आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने अपना परिचय भी दिया, परंतु वो बालक नहीं माना। मां ने एक खेल रचाया, मैल से पुतला बनाया, अपने ही द्वार बिठाया, पुत्र को ये समझाया। अपने ही द्वार बिठाया, पुत्र को ये समझाया। चाहे जो भी हो जाए, कोई भीतर ना आए, था बालक आज्ञाकारी, वचन माता का निभाए। बालक आज्ञाकारी, वचन माता का निभाए। थोड़ी देर में वहां पधारे, थोड़ी देर में वहां पधारे शिव शंकर भगवान। जब भगवान शंकर माँ पार्वती के महलों में जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोका और कहा कि
कि मेरी माता की आज्ञा है कि उनकी आज्ञा बिना कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर भगवान शिव बोले, मूर्ख, क्या तुझे पता है कि मैं पार्वती का स्वामी स्वयं भगवान शिव हूँ, मुझे भीतर जाने दे। बालक ने कहा, आप कोई भी हो, माता की आज्ञा बिना भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। गण से बोले शिव शंकर, जाने दे मुझको भीतर। हुआ फिर उन दोनों में वहां पर युद्ध भयंकर। मैं पार्वती का, मैं बालक उसी सती का। शिव के गण जो थे सारे, सभी बालक से हारे। शिव के गण जो थे सारे, सभी बालक से हारे। उस बालक ने शिव शंकर से किया बहुत संग्राम। जब वो बालक नहीं माना तो क्रोधित होकर भगवान शिव शंकर ने उस बालक का त्रिशूल से सिर काट दिया। जब यह समाचार माता पार्वती को मिला तो वो भयंकर क्रोध करने लगी और प्रलय करने को तत्पर हो गई। सभी देवों ने माँ के चरणों में शीश नवाया और प्रार्थना की कि हे माँ, शांत हो जाइए। माँ ने कहा, मैं शांत तभी होंगी जब मेरे बालक को पुनः जीवित कर दिया जाए। शिव जी ने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका शीश ले आया जाए। गणों ने एक हथनी के बच्चे का शीश शिव जी को सौंप दिया। शिव ने हथनी के बच्चे का शीश बालक के धड़ पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। खेल शिव जी ने रचाया, शीश हाथी का लगाया। किया बालक को जीवित, लोक सारा हर्षाया। किया बालक को जीवित, लोक सारा हर्षाया। वो प्रथम देव कहाए और वरदान ये पाए। देव तुम साना दूजा, करे सदा तेरी पूजा। देव तुम साना दूजा, करे सदा तेरी पूजा। सारे देवों से बढ़कर फिर मिला उन्हें सम्मान। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया।
सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अष्ट विनायक
गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपतये नमो नमः, शिशिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, ओम गणपतये नमो नमः, शिशिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। शिशिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। Shishiddhi Vinayaka Namo Namah.
सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देवा
अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू बन का भोग लागे, संत कर सेवा। लड्डू बन का भोग लागे, संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सिद्धि सिद्धि करी वर वदन, श्री